जान होर कोई काम ना करें। मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, जरदारी साहब आवाम को जहर दे के मार छोड़ें, एको तरीका है, इनको पैसा बहुत आ जाएगा। भाई कैसा काम चल रहा है आजकल? काम बस अल्लाह ताला का शुक्र है, ऑलराइट है। वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, वैसे ही कस्टमर पड़ रहे हैं? पहले जैसा नहीं है, क्योंकि लोगों की कैपेसिटी जो है वो खरीदने की चीज़ें वो बहुत कम है आजकल, जितने बिल्स वगैरह आ रहे हैं तो वो पहले जैसा नहीं है वैसे माहौल। पहले जैसा नहीं, 2 साल पहले तक तो फिर भी ठीक था काम, ये जब से जो 2 साल आए हैं बिल मजीद बढ़ बढ़ के जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस वक्त काम डाउन हुआ है। कस्टमर कम हो? कस्टमर मतलब कस्टमर हैं हमारे जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं उतने तो आते हैं, लेकिन जैसे सम टाइम वीक के अंदर 3-4 दिन अच्छे लगते थे, चलो 1-2 दिन आ जाते थे, अब 1-2 दिन अच्छे लगते हैं, बाकी 4-5 दिन जो है वो नॉर्मल रहते हैं। अखराजात तो बस आते हैं घर यहाँ दुकान पे, तो अखराजात के लिए आते हैं, और आप ये सोचेंगे अपने कुछ बचा लें, कोई मोटरसाइकिल नहीं ले लें, मोबाइल अपग्रेड कर लें, वो वाला सीन अब नहीं है 1-2 साल से। फजूल खर्ची नहीं है अब, यानी कि गवर्नमेंट ने फिर अच्छा काम किया ना, फजूल खर्ची आपकी खत्म की। हाँ जी, नहीं फजूल खर्ची नहीं है, मोबाइल और ये फजूल खर्ची भी आप समझ लें, कोई अपनी फैमिलीज को अच्छी फैसिलिटीज देना ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये फजूल खर्चियों में तो नहीं आता। आप बाहर के जैसे कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज से, वहाँ पे तो आम है ये सारी चीज़ें, ये कोरियों के भाव बिकती हैं जो हमें यहाँ पे पैसे भी दे के वो अच्छी नहीं मिलती चीज़। जान और कोई काम ना करें, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, जरदारी साहब आवाम को जहर दे के मार छोड़ें, एको तरीका है, इनको पैसा बहुत आ जाएगा। क्या वजह? ऐसे इनकी भूख नहीं खत्म होती। क्यों इतना परेशान क्यों है? जितना इसका इनको पैसा है ना, इतना हराम खोर ज्यादा हो गए हैं, ये अपनी जेब भर रहे हैं, गरीब को गला घूंट रहे हैं, उससे बेहतर है जहर दे के मार छोड़ें बस। दिन ब दिन बिजली इतनी महंगी हो गई, इतनी महंगी, और बच्चे मर्द अपनी जाने देने को तैयार हैं, हालात इतने हो गए हैं। इन 2 साल में आवाम गला गला ऐसा घुटा है ना, जो जीने के काबिल नहीं रखा आवाम को इसने। रोटी 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 40-14 रुपये रोटी की है, और तंदूर पर रोटी मिलती, तंदूर नान मिलता 25 रुपये का, ये रोटी हमने सस्ती किया, क्या सस्ती किया है, कोई पूछने वाला आंसर नहीं है ना। ये सारा काम जज्जू ने खराब किया है, जज्जू को उनको खरीदा हुआ है, जिस तरह ये बोलते हैं जादू इस तरह करते हैं, जिस तरह बोलते हैं जादू इस तरह करते हैं, हालात तो ऐसे हो गए हैं। 400 दिहाड़ी कमाते हैं, 8-8 हज़ार बिल आ जाता है। जब नियाज का दौर था ना, 20 रुपये जूनियर था, 2-3 हज़ार 3500 बिल आता था, जब इनका दौर आए 40-45 रुपये जूनियर हो बिजली है, 8 हज़ार 10 हज़ार 12 हज़ार बिल आ जाता है। किराया देंगे मकान का, बिजली का बिल भरेंगे, रोटी खाएंगे, क्या खाएंगे, 3 दिन सुकून की रोटी खाते थे, अब एक टाइम मुश्किल हो गया है, इतना बड़ा मुश्किल हो गया, एक टाइम रोटी नहीं हम खा सकते, सुबह का नाश्ता करके दोपहर की रोटी नहीं खाई अब तक, हम शाम को जाएंगे तो फिर रोटी जाके खाएंगे। इन जालिमों ने बहुत जुल्म किया हुआ है आवाम पे। गाहक नहीं लगता क्या लगता? जिस तरह पहले गाहक कस्टमर होता था उस तरह कस्टमर नहीं लग रहा, आता है पूछ के चला जाता है, आता है पूछ के चला जाता है, उनके जेब ज़्यादा दे तो वो सौदा ले। उसके दौर में 20 रुपये किलो 65 रुपये को आटा था उसके दौर में, उस जब इनका दौर आया ना 130 रुपये किलो के आटा हम लेके खा रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? आप 4 जोड़े बाद सारे बेचे पूरे। बच्चे कितने हैं आप? बच्चे 3 हैं। क्या करते हैं, पढ़ते हैं? एक पढ़ता था, अभी फारग हुआ है, आलम बना है, एक दुकान पर काम करता है, 14,000 उसकी सैलरी है सारी। आप कितना कमा लेते हैं इस काम में? अभी मैं 250 कमाया है पूरे दिन में। 250 रुपये बचत कमाई है या बचत कमाई है? जोड़े बिकेंगे तो बचत आएगी ना, 4 जोड़े 5 जोड़े बेचे सारे, 250 सारा बचा है, क्या बनेगा 250 में, किराया दूँ, बिल दूँ। एक पिछले महीने 8,200 बिल आया है, इस दफा पता कितना बिल आएगा, मेरे अंदाजा 10,000 के ऊपर आएगा, क्या करेंगे इन 400-500 में, 200-250 में क्या करेगा,
किसको खिलाएगा रोटी? आप खाएगा, बच्चों की खिलाएगा, खिलाएगा। इससे बेहतर है, बेहतर तरीका इनसे ये है, आवाम को जहर देने जाएँ तो मार दे जाएँ, आपकी जेब में भरते जाएँ तो भागते जाएँ। जब इनका लंगर खाना तो लंदन में है, जैसे आते हैं लंदन में, इधर क्या करने आते हैं? आवाम को ख़राब करने के लिए, ख्वार करने के लिए इधर आते हैं। क्या इनका इधर है? तो पाकिस्तान पूरा गिरवी रख चुका है, पाकिस्तान पूरा गिरवी रख चुका है, क्या बचेगा आवाम? पाकिस्तान में रखा क्या है? काले खरब हो तो कह जाए, मैं जो IMS के साथ जो उसने किया मैं वही किया है। अब तीन रुपये चार 41 पैसे अब खबरों में आया, बिजली महंगी हो गई। फिर आगे 45 रुपये यूनिट, अब तीन रुपये 41 पैसे लाऊँ तो कितना बनेगा? 48 रुपये 49 रुपये हो जाएगा। ये घर की बिजली है, और इतनी दुकान भी नहीं होती पहले से, पहले 50-60 रुपये यूनिट, अब घर की 5000 रुपये यूनिट हो चुकी है। इस वक्त आवाम की जो हालत है, हम एज इट इज़ दिखा रहे हैं, आवाम क्या सोच रही है, किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, और हुकूमत के बारे में उनके क्या ख्याल आते हैं। बहरहाल आवाम को रिलीफ देना चाहिए, इस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो आवाम को रिलीफ देने वाली होनी देने की होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हमें उसके कहीं भी तासरात नज़र नहीं आ रहे। हमारे साथ जी एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हालात चल रहे हैं भजन? हालात आपके सामने ही हैं, पूरे मुल्क के हालात आपको पता है, आवाम आपको पता है कितनी मुल्क में कारोबार खाया ही नहीं है, ठीक है, बिल जो है वो बिल ही नहीं हमें साथ कुछ खाने के लिए दे रहे, ठीक है। 30,000 मेरी सैलरी है, मेरी जेब में बिल है 15,000 रुपये का बिल है। आप अकेले कमाने वाले? मैं अकेला कमाने वाला हूँ, 6 बच्चे हैं मेरे, बच्चों को खिलाएं, बिल दें, क्या करें, ठीक है। 30,000 रुपये सैलरी है, किराए का घर है, किराया दें या बिल दें या घर के बच्चों के हजरा खर्चे पूरे करें, क्या करें हम? किराया कितना आपका? 15,000 रेंट है घर का। 15,000 आपका किराया है, 15,000 आपको बिजली का बिल आ गया, 30,000 तो यहीं चला गया, बाकी किस तरह गुजारा होगा? बस बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल, मैं बता नहीं सकता कि आपको कि हमारे क्या हालात हैं। 15,000 रुपये बिल और 15,000 रुपये घर का किराया, टोटल आमदनी 30,000, अखराजात अगर इस हिसाब से देखें, घर का खाना वगैरह राशन वगैरह मिलाएं तो कम से कम भी इन्हें 80 से 90 हज़ार रुपया कम से कम चाहिए, और जबकि इनकी सैलरी है 30,000। आवाम परेशान है, लेकिन हुकूमत अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द इस तरफ तवज्जो देगी, जल्दी आवाम के लिए रिलीफ लेकर आएंगे। पाकिस्तान के मौशी हालात जो हैं वो बड़े इस वक्त वीक जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो एक इकॉनमी के एक मौशी हालात जो हैं वो तो बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो मुआशी पॉलिसियों को जो है ना मद्देनज़र नहीं रख रहे। इसमें एक बड़ी वजह यह है कि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले पैसों का मुतालबा किया जाता है। लेकिन हर डिपार्टमेंट के बाहर लिखा होता है से टू नो करप्शन। सर ये एक आर्जी तौर पर लोगों को दिखाने के लिए लिखा जाता है, लेकिन इस पे प्रैक्टिकल अमल नहीं किया जाता। अब क्या समझते हैं कि क्या इकदामात होने चाहिए जिससे मुल्क में खुशहाली आए? खुशहाली तब होगी, पहली बात यह है कि जब तक हमारे मुल्क में अमन नहीं होगा, अमन होगा तो खुशहाली होगी, और खुश अमन का दूसरा नाम खुशहाली है। खुशहाली होगी तो मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, और मुल्क का नाम जो है वो दुनिया के एक बड़ी कौमों में इसका नाम शुमार होगा। अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो कोई भी जो मुल्क है वो अपना वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए बंद कर देगा। पाकिस्तानी मोस्टली हमें नाउम्मीद ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम फिर यही कहेंगे कि हमें हम पुरुम्मीद हैं, इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी आवाम भी तरक्की करेगी। भाई साहब मेरे बड़े हालात ख़राब हैं, मेरा कारोबार नहीं है, मैं बड़ा बच्चों के लिए कमेटी कमा रहा हूँ मैं, और मेरे जो बीवी है उसके भी हालात बड़े ख़राब है, रसोली का मतलब दिन का मतलब बड़े बड़े काम ख़राब हो जा रहे हैं, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, रोटी नहीं पूरी पड़ रही, बहुत परेशान है, मतलब क्या बंदा करे क्या ना करे। माची बेचते हैं आप? माची बेचता हूँ मैं। कितना कमा लेते? ये 200-300 रुपये कमा के मैं गुजारा करता हूँ। गुजारा हो जाता 200-300, क्या करें, मतलब क्या बंदा बता रही है।
परेशान है। अभी जाऊंगा दवाइयाँ लेके जानी है, कैसे मसला बनेगा, क्या नहीं बनेगा, बहुत हालात है, रोटी हमारी नहीं पूरी बनती। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा चल रहा है। हाँ जी अच्छा। कस्टमर पहले की तरह ही है? हाँ जी पहले की तरह। रोटी 16 रुपए की है? 14 रुपए का, 14 रुपए का, 14 रुपए की रोटी, 14 रुपए का। और सरकारी रेट चल रहा है 14 रुपए का सरकारी रेट और 25 रुपए का नान चल रहा है। 25 का नान, 14 की सरकारी रोटी, रोटी 14 की, 14 रुपए की। उतने बस वो 120 से ज्यादा भी है। हाँ पठानों का काम है ये तो। वह काम अच्छा बारे आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह रोजी कमाई सही है। अच्छा कस्टमर अच्छा, लेकिन गैस बड़ा प्रॉब्लम है। गैस का प्रॉब्लम? वो गैस का बड़ा प्रॉब्लम है, गैस आ नहीं रहा। गैस नहीं आ रही तो किससे गुजारा कर रहे? ये LPG चलाना है, सिलेंडर चलाना है। हाँ ये इस्तेमाल कर दें और साथ थोड़ा सा थोड़ा बहुत गैस आ रहा है वो इस्तेमाल कर दें। नहीं जी, जहाँ पे हमें परेशान लोग भी मिल रहे हैं वहाँ पे हमें खुशहाल लोग भी मिल रहे हैं। तंदूर है और वो कह रहे हैं कि हमारा अच्छा चल रहा है काम, अच्छा कारोबार चल रहा है। पाकिस्तान के हालात खराब ही हैं, बिजली आ नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही है और मुस्लिम जो जो हम जॉब वाले लोग हैं वो उनका गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है। क्यों मुश्किल हो? 30,000 सैलरी में बताएं मुझे क्या होता है, 30,000 हाली बिल आ जाए तो फिर देखें कितना मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। अभी रेंट पे रह? मैं अपने घर में ही, अपना घर है, लेकिन अभी जो है हमें जो है तकरीबन 30,000 बिल आया है और 30,000 मेरी सैलरी है और हमें पता है किस तरह हम सर्वाइव कर रहे हैं। 3-4 भाई हैं, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव वगैरह हो। यानी कि कंबाइन फैमिली? हाँ जी। इस वजह से बचे? हाँ जी ऐसे ही है, बस कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह की तरफ से ही है, बस अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह को याद कर रहे हैं। बहरहाल शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, हर हाल में शुक्र करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, लेकिन हालात सबके सामने है। चला ये नॉर्मल, महंगाई वैसे नॉर्मल चल रहा है। ये भी कम हुआ है? ये भी कम हो गया है, ये पहले से कम है, पहले ऐसा नहीं है, जो पहले होता था वो नहीं है, उन्होंने कम हो गया बिल्कुल। पहले ज़्यादा था? पहले ज़्यादा से, पहले अच्छा से इंशाल्लाह। कितना कितना फ़र्क पड़ा है? काफ़ी फ़र्क पड़ा, हमारे तकरीबन 5-6 ब्रांचें, 3 ब्रांचें कर लिए, 6 ब्रांच थे हमारी पहले, 3 ब्रांचें किए हैं। महंगाई 3 ब्रांचें भी खत्म हो गई? 3 ब्रांचें खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। पहले जैसे चल रहा है? नहीं थोड़ा नॉर्मल है लेकिन ठीक है, शुक्र अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह पाक रोज़ अता कर रहा है। गुजर बसर अच्छी हो रही है? गुजर बसर ही हो रही है फिलहाल तो, काम बहुत डाउन हो चुके हैं, पहले जैसा कारोबार नहीं है अब। कितना फ़र्क पड़ा है आपके कारोबार को, मतलब ये आप जलेबियाँ सेल करते हैं बिल्कुल, पहले अगर 1,000 रुपये की जलेबी सेल होती थी दिन में तो आप कितने की हो रही है? आप तकरीबन 550-600, इतना फ़र्क हो गया। कस्टमर इतना कम? हाँ इतना कम हो गया, कुछ महंगाई भी है और कुछ गर्मी भी है, गर्मी की वजह से भी कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तो लोग मजबूरन लेते हैं ना, पहले लोग चस्के के लिए लेते थे ना, ज़्यादा सेल होती थी, अब बहुत कम हो गया है। पहले लोग चस्के के लिए लेते थे और अब मजबूरी है लोगों की, खाना पीना भी तो होता है ना, लेकिन जो ज़्यादातर मजदूर लोग इधर खाते हैं पंजाबी गांव वाले लोग, अब बहुत कम हो गए हैं, वो कहते हैं पेट पालें या चस्के लगाएं, घर बीवी बच्चे भी तो है ना, उनका भी कुछ करना है इसलिए। अच्छा नाजिर आपको बताते चले कि मीठे से भूख खत्म हो जाती है, कई लोग शायद इसलिए भी खाते होंगे कि यार थोड़ी सी जलेबी खाएंगे तो पेट भर जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी, गुजारा हो जाएगा। कुछ दिन पहले आया था एक बंदा मेरे पास, कहता है यार मुझे ना 50 की जलेबी दे दो, रोटी मैं खाने के लिए गया हूँ तो होटल पे ना 300 रुपया उसने मांगा है, इधर से मुझे 50 की जलेबी दे दो, मैं एक बार खा लूँगा ना पेट भर के, पानी पी लूँगा तो रात गुजर जाएगी। मुझे बहुत तरस आया, फिर मैंने उसे 100 रुपये की जलेबी अपनी तरफ से 50 की डाल के दे दी। मैंने कहा कोई बात नहीं यार तू चलो गुजारा कर ले, मुझे भी अल्लाह पाक रोज़ अता कर देगा। ये इनकी खुदा तरसी थी। बहरहाल कैसा जुल्म हो रहा है इस वक्त महंगाई का, कितने परेशान है लोग, कितनी टेंशन में है कि अपना एक वक्त का खाना भी पूरा करना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, और लोग मीठे इसलिए खा रहे हैं ताकि भूख ख़त्म हो जाए, भूख मर जाए और एक टाइम का खाने का पैसे जो है बिल जो है वो बच जाए। ये हालात इस वक्त चल रहे हैं हमारे मुल्क के, अल्लाह की ज़ात पर रहमत फरमाए, जल्द अज जल्द हमारा मुल्क कर्ज़ों की दलदल से बाहर आए और हमारी आवाम खुशहाल हो।